दोस्तों, मैं आपका दोस्त रैबिट ट्रेनर राहुल आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल रैबिट फार्मिंग एंड केयर में हार्दिक स्वागत करते हैं। और दोस्तों, आज का टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक वेट मशीन। हम ये जानेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक वेट मशीन, जैसे कि हमने एक ली है अमेजॉन से, हमारी पुरानी मशीन खराब हो गई थी, इसलिए आज नई मशीन हमने अमेजॉन से अभी पार्सल आया है उससे हमने ली है, और इसको आपको रिव्यू करके दिखाएंगे, खोल के दिखाएंगे किस तरीके से चलती है और इस पैकेट के अंदर क्या निकला है। 275 रुपीस की हमको मिली है। मैक्सिमम जो वेट कैपेसिटी हो 50 kg है, 50 किलो इस ये जो मशीन है ये वेट कर सकती है एक बार में। तो दोस्तों, हम आपको यहाँ पर ये बता दें कि एक फार्मर्स, एक रैबिट ट्रेनर, या फिर आपके पास रैबिट बहुत सारे हैं या 10 या 5 है, तो आपके लिए वेट मशीन क्यों इम्पोर्टेंट है। देखिए, वेट मशीन इसलिए इम्पोर्टेंट होती है क्योंकि जब आपके पास रैबिट फॉर्म है या काफी सारे रैबिट है, आप बार बार फीड में चेंज करते हैं। जैसे एक बार आपने फीड बनाया, जब नेक्स्ट टाइम बनाएंगे कुछ ना कुछ डिफरेंस हो जाता है। हर बार जब फीड चेंज करते हैं तो उससे हम वेट लेते हैं नए बच्चे का। जैसे 10 दिन का बच्चा है, सॉरी अभी माँ से बच्चा अलग हुआ 1 महीने के बाद, उसका 15 दिन 20 दिन उसने फीड खाया, पुराना जो खा रहा था उस रेशियो से उसका वेट बढ़ रहा है। नया जब फीड बना है उससे हम उसके बाद वेट लेते हैं कि बच्चे का वेट बढ़ रहा है या घट रहा है, कहीं बच्चा हमारा रिवर्स बैक तो नहीं जा रहा है, तो उसके कारण जानेंगे कि फीड में कोई प्रॉब्लम्स है या टेम्परेचर की दिक्कत है या किन प्रॉब्लम्स के कारण हमारे रैबिट का जो बॉडी वेट है वो बैक हुआ, कम हुआ, वापस क्यों चला गया रैबिट हमारा, फिर से वेट इसका कम क्यों हुआ। इसलिए इलेक्ट्रॉनिक वेट मशीन या वेट मशीन आपके रैबिट फार्म पर होनी बहुत जरूरी है। देखिए, अब हम आपको यहाँ पर बताएंगे कि 50 kg मैक्सिमम जो वेट है उसका वो करने वाली मशीन लीजिए। उससे फायदा क्या होता है, जब भी हम फीड बना रहे हैं या फिर कुछ बाहर से खरीद रहे हैं तो उससे हम उस पर रख के हम उससे वेट कर लेंगे, उससे हमें पता चल जाएगा। मान लीजिए हम फीड बना रहे हैं और कुछ तोलना है, नापना है, उसको हम नाप सकते हैं। और या फिर मान लीजिए भाई हमारे पास 100 पेरेंट हैं, अब वो हमारा 10 kg फीड डेली खा रहे हैं, हम इलेक्ट्रॉनिक वेट मशीन से फीड को हमने वेट कर लिया और फिर अपने सारे रेवेट को दे दिया, सारे रैबिट्स ने खा लिया। धीरे धीरे जब हमारा प्रोडक्शन बढ़ रहा है, बच्चे बढ़ रहे हैं, तो इससे हम ये कैलकुलेशन कर सकते हैं कितना फीड हमारा डेली बढ़ रहा है या कितना फीड हम डेली हमारे रैबिट फार्म में बढ़ रहा है, कि किस रेशियो से बच्चों का वेट बढ़ रहा है, किस रेशियो से हमारा फीड बढ़ रहा है। तो इन चीजों का बहुत ध्यान रखना चाहिए यदि आप सफलतापूर्वक रैबिट फार्म चलाते हैं। तो कई बार क्या होता है, जैसे किसान ने फीड चेंज कर दिया, वो 10 से 15 या 20 दिन समझ ही नहीं पाता है कि क्या खरगोश का वजन बढ़ रहा है या घट रहा है या खरगोश बैक हो रहा है। तो इसलिए आप लोगों से हमारा विनम्र निवेदन है, रेंडमली 2, 1, 3, 4 जैसे बच्चे हैं उनका वेट करके देख लीजिए, उसको नोट कर लीजिए। आप उसका जो केज है उसके ऊपर देखिए, जैसे फीड बॉक्स लगे हुए हैं, इन फीड बॉक्स पर डेट के साथ उसका वेट डाल दें, ताकि जब नेक्स्ट टाइम आप वेट करेंगे तब आपको वहीं का वहीं वेट भी देख लेंगे, आपको पता भी चल जाएगा कि 10-15 दिन में कि हमारे रैबिट का कुछ वेट बढ़ा या नहीं बढ़ा। नहीं बढ़ता है तो उन कारणों को जानने की कोशिश करिए। चलिए दोस्तों, इस पैक के अंदर क्या निकलता है उसको देखते हैं, इसको काटते हैं हम। अभी अमेजॉन से पैकेट हमारे पास बिल्कुल आया है, पैकेट कट गया है कैंची की सहायता से। चलिए और देखते हैं, इसके अंदर इस तरीके की एक पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक मशीन दिख रही है। अभी हमें भी पहली बार हम खोल रहे हैं आप लोगों के सामने, और ये एक बॉक्स में इतनी पतली, देखिए एक इलेक्ट्रॉनिक, इस पर क्या लिखा है, पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक स्केल। जैसा कि आप लोग फोटो इस बॉक्स को हम यहाँ पर देखते हैं, आप लोग इस पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक स्केल का फोटो देख सकते हैं। तो अब हम लोग इसको देखते हैं अंदर निकाल के कि इसके अंदर क्या है, फिर कैंची की सहायता से इसके ऊपर जो पन्नी लगी है इसको हम लोग काट देते हैं। और यहाँ पर लास्ट में हम बताएंगे ये कितने रुपए का है, कितने रुपए का प्रोडक्ट हमको यहाँ पर मिला है। अब चलिए इसके अंदर देखते हैं कि क्या निकल रहा है। देखिए ये देखिए, इस तरीके से इसके अंदर ये पैक है, इसको हमें अब देखिए, इस एक ये मैनुअल कार्ड निकला है इसके अंदर, इस तरीके का देखिए एक मैनुअल कार्ड निकला है इसके अंदर, ये मैनुअल हो गया। और ये हमारी इलेक्ट्रॉनिक वेट मशीन इस तरीके से देखिए रखी हुई है, 2 सेल यहाँ पर निकले हैं, इन सेलों को भी हम लोग निकाल लेते हैं। इस तरीके की इलेक्ट्रॉनिक वेट मशीन जो है ये पहली बार हम भी इस्तेमाल कर रहे हैं आज, या हमने मंगाई हुई है। इस तरीके से देखिए इसका ये सिस्टम है, किस तरीके से वेट आप यहाँ पर लेंगे। तो इसके पीछे यहाँ पर सेल लगने की जगह है,
चलिए सेल डाल के देखते हैं क्या होता है। सेल का जो ढक्कन है वो खोल दिए हैं, देखिए इस तरीके से सेल की जगह है यहाँ पर, और यहाँ पर पैरासेमिंग करके कुछ लिखा हुआ है सेल के ऊपर, और उसको हमने इन सेलों को इस इलेक्ट्रॉनिक वेट मशीन में लगा दिया है जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। अब यहाँ पर इस हमने इलेक्ट्रॉनिक वेट मशीन को देखिए बंद कर दिया। सेल लगाते ही यहाँ पर लोड दिखा रहा है 000 ऑन ऑफ, हमने ऑफ किया और यहाँ पर वेट मशीन को ऑन करते देखिए जल गई है। आप लोग देख लीजिए क्या हो रहा है, देखिए 00 आ गया। अब इसके ऊपर लोड रखेंगे इस तरीके से, देखिए लोड ये बढ़ा घटा रहा है, हम अपने हाथ से उंगली रख के लोड घटा और बढ़ा रहे हैं। तो इस तरीके से हम लोग जान पाएंगे कि किस तरीके इसको यहाँ पर हम किसी जगह टांग देंगे और इसके ऊपर आप लोग वेट रखेंगे और यहाँ पर वेट बढ़ता चला जाएगा, और ये जो डिस्प्ले है इस जल रही है इसके द्वारा आप लोग पता कर सकते हैं। यहाँ पर यह है, इधर है यूनिट केजी आईबी जिन ओजेड केजी, यहाँ पर चार यूनिट भी दे रखा है। देखिए ये जो बटन है ये यूनिट का है, जब हम इसको पुश कर रहे हैं अब यहाँ पर केजी में आया, फिर आईबी में यूनिट दिखा रहा है, फिर जे आई एन जिन में यूनिट दिखा रहा है, फिर ओजेड में यूनिट दिखा रहा है, और यहाँ पर केजी में। हम लोग जो वेट करते हैं वो अप्रोक्सीमेट केजी में करते हैं। तो इस तरीके से आप लोग देख रहे हैं ये एक इलेक्ट्रॉनिक वेटिंग मशीन है। यहाँ पर देखे लिखा है 10 kg डी 5 ग्राम और 5 से 10 kg 5 to 10 kg डी 10 = 10 ग्राम। आप लोग बिल्कुल डिस्प्ले स्क्रीन पर देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक वेट मशीन। अब दोस्तों यहाँ पर एक क्लिक करते ही बटन देखिए बंद हो जा रहा है मशीन, और एक क्लिक करते ही मशीन स्टार्ट हो जा रही है 00 करके, देखिए 000। अब 0 होके मशीन स्टार्ट हो गई। हम यहाँ पर वेट रखते हैं, इसका वेट बिल्कुल अच्छे से आ रहा है, और देखते हैं। देखो दोस्तों अब इस वेट मशीन को हम बंद कर देते हैं, इसका सिस्टम यहाँ से स्लाइड कर दिए और ये अंदर की तरफ चली गई। इसका जो कड़ा है ये देखिए, जो कड़ा है काफी अच्छी क्वालिटी का दिख रहा है, यहाँ से ये निकल नहीं पाएगा क्योंकि यहाँ पर ये हल्की मोटी है, इस तरीके से ये फंसा हुआ है जैसे कि आप लोग नीचे देख सकते हैं। इसकी जो मैक्सिमम वेट कैपेसिटी है वो 50 kg है, 50 kg तक बॉडी वेट तोल सकता है ये। अब अप्रोक्सीमेट आपने देखा होगा उन लोगों के पास जो आपके घर सिलेंडर देने आते हैं, अप्रोक्सीमेट ज्यादातर लोग इससे सिलेंडर तोलते हैं, और हम लोग इसको अपने पास रखेंगे अपना खरगोश। अब हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक वेट मशीन भी हो गई है जो बिल्कुल डिजिटल और नई है। अब आप लोग कहेंगे तो हम खरगोश का वेट कर भी इससे आपको दिखा देंगे। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आज के वीडियो से आपको बहुत बड़ी हेल्प मिली होगी। एक मित्र का हमारे मैसेज था कि सर अपने रैबिट फार्म को भी धीरे धीरे करके दिखाएं, उसके लिए साइड स्क्रीन पर हमने वीडियो भी लगा दिया था। दोस्तों चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। थैंक यू।